जन्म लेते ही पिता अनाथालय छोड़ाए। एक्ट्रेस को प्यार में बार बार मिला धोखा। पति ने सुनाया 3 तलाक का फरमान। सिर्फ 38 की उम्र में दुनिया से चल बसी। ये कहानी है हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। वो ट्रेजेडी क्वीन जिसने सिर्फ फिल्मी पर्दे पर दर्द भरे किरदार नहीं जिए, बल्कि असल जिंदगी में भी दुख झेले। जी हाँ, बेहद कम उम्र में दुनिया को छोड़कर जाने वाली मीना ने अपनी जिंदगी में कई दुख दर्द झेले। अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ सहा। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी का असली नाम महजबी मानो था। उन्होंने बचपन से ही मुश्किलें झेली। जब वो पैदा हुई तो उनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उनके माता पिता ने इस वजह से उन्हें अनाथालय में छोड़ने का फैसला किया। हाँ, कुछ दिन बाद मीना के पिता उन्हें वापस ले आए, क्योंकि उनकी माँ का दिल नहीं मान रहा था कि वो अपनी बच्ची को अनाथालय में छोड़े। कुछ दिनों बाद ही मीना के कंधों पर बचपन से ही परिवार की सहारा बनने की जिम्मेदारी आ गई, जिसके चलते महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जिस उम्र में एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता है, उस उम्र में मीना कुमारी ने एक्टिंग शुरू कर दी। उनकी पहली फिल्म फरजादे हिंद थी। इसके बाद मीना कुमारी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। मीना कुमारी अपने दौर की बहुत नामचीन एक्ट्रेस रहीं। बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते। फिल्मी पर्दे पर उन्होंने खूब नाम और शोहरत कमाया, लेकिन असल जिंदगी में वो प्यार के लिए तरसती रहीं। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मीना ने फिल्म मेकर कमाल अमरोही से शादी किया। 14 फरवरी 1952 को केवल 18 साल की उम्र में मीना ने अपने से तकरीबन दुगनी उम्र वाले कमाल अमरोही से शादी रचाई। उस समय ना वो सिर्फ पहले से शादीशुदा थे, बल्कि 3 बच्चों के पिता भी थे। मीना के पिता को उनकी इस शादी से एतराज था। वो चाहते थे कि मीना कमाल अमरोही से तलाक ले ले और अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दे। कुछ दिनों बाद ही मीना की उनके पिता से अनबन होने लगी और पिता का घर छोड़कर वो कमाल अमरोही के साथ ही रहने लगी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पता चला कि उनके पति बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। वो उन पर शक भी करते थे। बताया जाता है कि मीना के पति कमाल उनकी कमाई सारी अपने पास रख लेते थे। इतना ही नहीं, वो मीना पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाते थे। देर शाम ना तो उन्हें शूटिंग करने की इजाजत थी और ना ही उनके सेट पर किसी आदमी को उनके मेकअप रूम में जाने की परमिशन थी। यहाँ तक कि कमाल ने अपने असिस्टेंट बकर अली को उन पर नजर रखने को कहा था। ऐसे में एक बार जब गुलजार मीना कुमारी के मेकअप रूम में पहुंचे तो कमाल के असिस्टेंट ने फिल्मों के सेट पर ही मीना को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद भी कमाल ने अपने असिस्टेंट को कुछ खास नहीं कहा। मीना ने फिर पति कमाल का साथ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में आए न्यू कमर धर्मेंद्र के साथ कुछ फिल्में की। एक साथ कई फिल्में करने की वजह से धर्मेंद्र और मीना कुमारी प्यार में पड़ गए। मीना कुमारी को ये लगा था कि धर्मेंद्र उनके साथ शादी करेंगे, लेकिन जैसे ही बॉलीवुड में उनका करियर चमका, उन्होंने मीना कुमारी का साथ छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर बनाने के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया था। धर्मेंद्र ने जब मीना को धोखा दिया तो मीना कुमारी का दिल टूट गया और ऐसे में वो फिर से अपने पहले पति कमाल अमरोही के पास चली गई। कहा तो ये तक जाता है कि तलाक के बाद मीना कुमारी का हलाला करवाया गया था और उसके बाद उन्होंने अपने पति कमाल अमरोही से दोबारा शादी की थी। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इंटरनेट पर ऐसी कई खबरें देखने को मिली। पहले पति ने तलाक दिया और फिर धर्मेंद्र से भी धोखा मिला। ऐसे में मीना कुमारी का दिल टूट गया था और धीरे धीरे उन्हें शराब की लत ने घेर लिया। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से मीना कुमारी बीमार रहने लगी। उन्हें लीवर सिरोसिस की बीमारी हो गई। इसी दौरान वो अपने पति कमाल अमरोही की फिल्म पाकिजा की भी शूटिंग कर रही थी। कहते हैं बीमारी में भी मीना कुमारी ने इस फिल्म की शूटिंग की। बहुत मेहनत की इस फिल्म के लिए। आपको ये बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी तब ये फ्लॉप हो रही थी, लेकिन फिल्म पाकिजा की रिलीज के सिर्फ 32 दिन बाद मीना कुमारी चल बसी। उनके निधन के बाद से दर्शक सिनेमा हॉल की तरफ दौड़े और उसके बाद पाकिजा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी क्लासिक फिल्म बन गई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और पाकिजा मीना कुमारी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई।
ब्यूरो रिपोर्ट E24।